सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट 24 माय करियर मोड। तो गाइस पिछले मैच मतलब पिछले वीडियो में आप देख रहे होंगे कि मतलब कैसे मैंने कुछ भी मतलब नहीं कर पाया भाई, कोई भी मैच में ठीक से ढंग से खेल भी नहीं पाया, मतलब बैटिंग ही नहीं मिला मुझे। तो आज हमारा टेस्ट है तो होपफुली मुझे बैटिंग मिल सकता है, मिलेगा ही अगर होता है तो, क्या पता टेस्ट में बैटिंग नहीं मिला क्या पता। तो इसलिए तो चलो हमारा आज 3 डे का मैच है तो थोड़ा सा ट्राई करेंगे, ठीक है, अच्छे से खेलेंगे, एटलीस्ट 30-35 रन या फिर 50 एक ट्राई कर सकते हैं हम, देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चलो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस यहाँ पर हम लोग टॉस में आ चुके हैं और देखते हैं ये धनबाद ने टेल्स कॉल किया है तो कौन जीता है भाई। अच्छा हम लोग ने टॉस जीत लिया है, बाकी देखते हैं क्या लेते हैं बैटिंग या बॉलिंग। ठीक है हम लोगों ने बैट ही लिया है तो देखते हैं मारते हैं भाई, थोड़ा सा क्या खेलने का ट्राई करते हैं, इतना तो बेकार किसका कैरियर नहीं होगा भाई जितना मेरा बेकार जा रहा है। तो चलो देखते हैं बैटिंग आता है फिर। हाँ आ गया, ठीक है बैटिंग आ गया। 5 matches 34 runs 11 का एवरेज, बस हाई स्कोर है 28, बस उतना ही है और कुछ तो मैं कर ही नहीं पाता हूँ और क्या करूँ। और डिफ़िकल्टी मैंने वही रखा है जो पिछले वीडियो में रखा था, मतलब हार्ड या फिर ऐसे कुछ होगा शॉट। अच्छा सिंगल से शुरू करते हैं, टाइमिंग इतना अच्छा नहीं हुआ इसलिए नहीं गया, तो चलो कोई बात नहीं। अभी नो बॉल था भाई, नो बॉल था, मार देना चाहिए था मुझे। चलो फिर से मीडियम पेसर आ गए हैं और यहाँ पर गैप मुझे दिखाई दे रहा है, देखते हैं यहाँ पर मारते हैं। अब बाउंसर भाई छोड़ो, बाउंसर को क्या ही मारना, इसमें आउट हो जाएगा भाई, बाउंसर को मारोगे तो आउट ही हो जाएगा। छोड़ो वाइड भी है ये, एक रन एक्स्ट्रा मिल गया, एक पर एक है हम भाई, थोड़ा लेंथ बॉल डाल दे, डाल दिया। नहीं 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 नहीं, अरे यार भाई रन में ले रहा था लेकिन ये बॉल यहाँ पर छोड़ के बैठा, मैंने देखा ही नहीं, फिर मैंने कैंसिल कर दिया रन और फिर से दौड़ता तो ये रन आउट कर देता। टाइमिंग नहीं हो रहा है भाई, टाइमिंग नहीं हो रहा, ये हुआ है टाइमिंग। चलो आइडियल टाइमिंग, फर्स्ट 4 आ गया हमारा करियर, मतलब फिर से एक इस टेस्ट मैच का फर्स्ट 4 आ गया है, करियर का तो कब से आ गया। तो चलो फर्स्ट 4 अच्छा टाइमिंग हुआ था, बढ़िया कवर ड्राइव। चलो 3 ball 5 run, फिर से वहाँ पर मुझे लगता है ये लेंथ बॉल डालेगा तो वही कवर ड्राइव हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अच्छा चला गया, ठीक है कोई बात नहीं, 2 at least मिल तो जाएगा, हाँ 2 मिल जाएगा। 3 के लिए मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि रन आउट हो सकता हूँ भाई, 3 के लिए नहीं जाऊँगा। चलो 4 ball में 7 run, और एक बार वहीं पर ही, और इस बार भी आइडियल टाइमिंग और चौका भाई लगा, और ये नो बॉल भी था तो कोई बात नहीं भाई, चौका तो मिल गया, फ्री हिट में तो इसमें होता ही नहीं। ये भाई 16 ओवर में 70 रन खा गया है और हम 201 में 5 है, अरे यार ये टाइमिंग थोड़ा बेकार हो गया। चलो दौड़े 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 जल्दी जल्दी जल्दी, आ बढ़िया 1 run मिल गया भाई, इस वाला मिस फील्डिंग कर दिया फिर 1 run मिल गया। तो यहाँ पर फिर से प्रेशर आ गया है, स्पिनर को भाई नहीं दे रहे हैं इस बार ओवर, और ये फुटर बेकार है लेकिन टाइमिंग गुड है तो चौका 4 लेट्स गो, और एक चौका 12 ball में 20 run, और मेरा मतलब स्ट्राइक रेट ना वो बहुत ज़्यादा है, मैं कवर साइड मारते जाता हूँ और ये लोग, चलो भाई बच गया, पुल लग गया, किस्मत अच्छा 2 run मिल गया भाई। चलो 22 run, 13 ball 22 run शायद, हाँ तो ठीक है, इसको उठाकर मारे क्या, नहीं इतना जल्दी नहीं भाई, और थोड़ा टाइम लेते हैं, ये तो हाथ में दे दिया, चलो कोई बात नहीं। चलो अंदर से ये, चलो और एक चौका, ये सो भाई आज पूरा फॉर्म में हूँ मैं,
आज तो आउट नहीं होने वाला। और गाइज ये इजी डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है, मतलब मैं भाई अभी स्टार्ट कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होता है। तो अगर एक बार मतलब खेलना सीख जाऊँ ठीक से, फिर देखता हूँ क्या डिफिकल्टी बढ़ाते हैं या फिर बढ़ाऊँगा, ज़रूर बढ़ाऊँगा। अब तो सिर्फ क्लब के लिए ही खेल रहा हूँ ना, जब जैसे जैसे आगे जाऊँगा उसके बाद मैं डिफ़िकल्टी भी बढ़ाता जाऊँगा। अच्छा छोड़ो भाई, क्या क्या ही बॉल था, ये बाउंसर था। मैं मतलब बॉल मारने के बाद ना फिर से बॉल को नहीं देखता। ये उठाकर मारा है और एक चौका, लेट्स गो। अच्छा शॉट था, लेकिन फुटवर्क इसमें पुअर क्यों हो रहा है भाई, मुझे नहीं पता। फ्रंट फुट से ही तो मारना था, फिर क्या हो गया। अच्छा ठीक है, हम लोगों ने 30 के ऊपर तो बना लिया है, और एक ट्राई करते हैं, नहीं छोड़ जाने दे। ओ भाई पूल अच्छा लगा है। अरे यार ये भी चौका हो गया, मैंने सिर्फ मतलब मारा ही था ऐसे ही, लेकिन ये भी चौका हो गया भाई। लेट्स गो भाई, दो बॉल में दो चौके, अच्छा पूल चढ़ा। 35, जो चाहे था हमें वो मिल गया है, ठीक है, 35 रन बन गए। अब और थोड़ा रन मार, अरे यार मिस हो गया, टाइमिंग थोड़ा जल्दी हो गया, छोड़ो कोई बात नहीं। ये भी ऊपर से मारूँ या फिर नीचे से, देखते हैं पहले बॉल। भाई उसने कैच इट बोला तो मेरा मुंह में आ गया था। स्पिनर आ गया, मैं भाई नहीं मारूंगा, मतलब मारूंगा लेकिन बॉल देख के मारूंगा ना, कहां पर आ रहा है कहां पर नहीं। बॉडी में डालेगा तो ये खाएगा, नहीं छोड़ो, बॉडी में डालते तो फिर लेग साइड खाता है। अरे यार डाल ना भाई थोड़ा अंदर, आगे आगे डालते जा रहे हैं और वहां पर फील्डर जगह है सारा, मतलब थोड़ा पूरा वहां पर फील्डर जगह है ना इसीलिए शायद। नो 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 नो, कैच नो। वाह भाई चौका चला गया भाई, मुझे सच में लगा था कैच हो जाएगा। ये भाई मुंडी बुलाकर गेंद फेंक रहा है ना, और एक मारते हैं। ओ नहीं बच गए, दो रन तो आ जाएगा शायद भाई, चौका। ये भी चौका चला गया, मतलब मैंने उठा के मारने का ट्राई किया था लेकिन ये टाइमिंग बेकार हुआ तो इसीलिए नीचे चला गया, फिर भी चौका चला गया। चलो 47 हो गया है और 3 रन दूर है हमसे, तो चलो किस्मत के भरोसे हमें हमारा 50 तो मिल गया। 30 बॉल में 51 रन, 10-4 सिर्फ और 170 का स्ट्राइक रेट। टेस्ट में भाई टेस्ट, क्या करूँ भाई, फिनिशर हूँ ना मैं इसलिए। चलो अब तो मैं नहीं रुकूंगा भाई, अब तो मैं सिर्फ मारूंगा भाई, मारूंगा बोल के पहला ही बॉल मिस कर दिया। प्लीज चला जाए यार। भाई ओके टाइमिंग तो हुआ था, इसमें आउट होने का क्या बात था। चलो कोई बात नहीं, चलो सेकंड इनिंग्स आ गया, एवरेज में थोड़ा इंक्रीज तो हुआ है, मैंने जैसे बोला था नट आउट रहा था तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन इसमें तो नट आउट नहीं हो सकते ना। लीड बाय टू, अबे लीड बाय 261 रन, और क्या चाहिए भाई, मैं तो मारूंगा ही। 261 रन से लीड कर रहे हैं ऐसे भी, और क्या, फिर से बैटिंग क्यों दिया हमें, उनको एक बार दे देते ना फिर क्या होता भाई, मैं तो मार नहीं जाऊंगा।
मैं भाई ये मतलब नीचे नीचे अब नहीं खेलूंगा, क्योंकि 260 और अभी और हो गया भाई, 269 या फिर ऐसे कुछ तो हो गया भाई। क्या ही चाहिए मतलब ये करने का, थोड़ा थोड़ा खेलने का। दो लगातार बाउंड्रीज आ गए हैं अभी, 165 पे 5 है अभी भी है, और एक चौका। लेट्स गो भाई, मैं तो मार नहीं जाऊंगा जो भी हो जाए भाई, डर डर के खेलूंगा तो फिर वही ऐसा वैसा करके कुछ आउट ही हो जाऊंगा। देखते हैं जहां पर होगा वहां पर मारूंगा। फील्ड खोलें तो फील्ड तो ऐसे भी खोल लेंगे, ज़्यादा मारूंगा तो ऐसे भी फील्ड खोल लेंगे, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भाई सिक्स है शायद, हाँ भाई पहले सिक्स आ गया भाई, और क्या चाहिए भाई। मुझे T20 में बैटिंग देना, T20 बैटिंग देते तो ये समझ पाते, लेकिन यहाँ पर तो टेस्ट में भी और आसान हो जाता है ना। चार बॉलों में 18 रन मार दिया है मैंने, और क्या बोलो, हर बॉल में मतलब 5 बॉल मैंने बाउंड्री मार दिया, और एक छक्का। क्या टाइमिंग हुआ है, बस देखो सारा आइडियल, फुटवर्क, टाइमिंग, शॉट चॉइस, सब आइडियल भाई। शायद ये डिफिकल्टी मेरे लिए अब थोड़ा कम पड़ने वाला है, आउट भी तो इसी डिफिकल्टी में हुआ था ना। चलो स्पिनर आ गया, इसको यहाँ पर मारूंगा भाई। कहाँ का कैच है भाई, 6 है ये, 6 ही है भाई, 6 है। 30 पर पहुंच गया हूँ, कितना 6 बॉल शायद, 6 या फिर 7 बॉल, 6 बॉल में 30 पर पहुंच गया हूँ। मैं एक 30 मारने के लिए तरस जा रहा था, और यहाँ पर नहीं, हट, कोई बात नहीं भाई, हम तो ऐसे भी जीत रहे हैं। तो 4828 का स्ट्राइक रेट है, जीत जाएंगे आराम से, जीत जाएंगे। हाँ वो अलग बात है कि मुझे मैन ऑफ द मैच नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या ही मारा है मैंने तो 51, हाँ पहला इनिंग्स से 51 मारा था, 51, और सेकंड इनिंग्स से ये थोड़ा मुझसे ज़्यादा मार गए, तो कोई बात नहीं चलेगा। तो गाइस हमारा नेक्स्ट मैच है ईस्ट इंडिया चैंपियनशिप राउंड 3 का, क्लब T20 मैच है एक, तो माई प्लेयर ये तो है। ट्रेनिंग हम कुछ कर सकते हैं क्या, ट्रेनिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये सब लक ही पड़ा है। तो चलो T20 मैच खेलते हैं, इसमें अगर बैटिंग आता है नहीं भाई, इसमें बहुत मुश्किल है भाई बैटिंग आना, मुझे शायद टेस्ट खेलकर ही इंडिया के लिए तो दूर की बात है भाई, पहले टेस्ट के स्टेट के लिए मैं डेब्यू कर लूँ वो बड़ी बात है। तो ऐसे हम लोग टॉस में आ चुके हैं, और ये जो भी है बजवादा, ठीक है, हेड्स अच्छा, फिर से हम लोग टॉस जीत गए हैं, और मुझे पता नहीं विकेट कीपर बैट्समैन को मतलब क्यों बैटिंग नहीं मिलता भाई, ये सारे इतने अच्छे प्लेयर नहीं है भाई भुवनेश्वर में, अगर मैं ओपनिंग करता अभी। अच्छा भाई बैटिंग आ गया, फाइनली बैटिंग आ गया, 14.3 ओवर में आए हैं और 92/5 है, तो हमें थोड़ा रन मारना पड़ेगा, थोड़ा रन मार। हाँ भाई क्या ही टाइमिंग हुआ है, ये सब कुछ आइडियल हुआ था भाई। ये ओवर भाई मेरा है, जो भी मारूंगा इस ओवर में मारूंगा, नहीं तो भाई आउट हो जाऊंगा। हाँ शॉर्ट चेस पूर हो गया, अच्छा ये लेग साइड मारना था, मैं सब कुछ अगर मतलब ऐसे ऑफ में मारने जाऊंगा तो कैसे ही होगा, वो भी ठीक ही बात है। मिस मत हुई यार, लेट, ये बहुत लेट हो गया मुझे पता है। अच्छा ये फिर से वही डालेगा शायद, क्योंकि ओ भाई बच गया, छक्का चला गया, नहीं तो गया था भाई, हाथ में ज्यादा जला था तो गया था। चलो पहला छक्का तो आ गया, 105, हट, हाँ टाइमिंग नहीं हो रहा है भाई, लेट हो रहा है,
थोड़ा जल्दी मारना पड़ेगा मुझे। अरे यार स्पिन, टेस्ट में स्पिन खेलने में अच्छा लगता है ना, इसमें नहीं लगता। क्या यार ये इतना जोर से डाल रहा है, क्या मिस हो रहा है भाई अब? कभी कभी लेट हो जा रहा है, कभी कभी एयरली मिस हो रहा है। चलो सिंगल। हाँ भाई तू ये कहीं कर ले। भाई ये स्पिनर जा क्यों नहीं रहे भाई, मुझे ये स्ट्राइक ही दे रहा है भाई स्पिनर की। जब 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 स्पिनर आएगा ये मुझे स्ट्राइक दे रहा है। चला जा भाई ऊपर से। भाई बॉल मतलब बहुत अच्छे से जा रहा था, ये पता नहीं इसका क्या हो गया। यार ओके टाइमिंग ही तो हुआ था, चला जाता ये मैच हार के भाई हम। हट, कितना अच्छा चांस मिला था रन बनाने का। हा हट यार, 136 और नीचे भी तो आया था मैंने, 14-15 ओवर हो गया था ऑलमोस्ट, तो क्या ही करूँगा। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, वीडियो चले तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। तो 50 ओवर के मैच हम नेक्स्ट वीडियो में खेलेंगे, तो तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।